हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये शीट देखिए, आपको इसमें ना तो रो नंबर नजर आएगा ना तो कॉलम नंबर नजर आएगा। अब यहाँ पर नेम बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर हालांकि जरूर आपको A1 दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैं A1 पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स हैं वो हमको नहीं दिखाई पड़ी है, चाहे हम कितना भी स्क्रॉल कर लें कुछ भी कर लें। तो ये मैंने कैसे किया आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना है, फाइल पे चले जाना है। अब ये 2016 ओपन किया है मैंने और यहाँ से ऑप्शन पे चले जाइए। जैसे ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको जाना है एडवांस ऑप्शन पे और नीचे आते चले जाइए, थोड़ा थोड़ा नीचे आइए और नीचे आइए और नीचे आइए, थोड़ा सा और आ जाइए, शो रो एंड कॉलम हेडर्स। तो इस पे से अनटिक कर दिया मैंने, तो ये टिक था। तो अगर आप टिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग वापस आ गई। अगर अनटिक रहता है, जैसे कि आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन पे गया मैं और फिर एडवांस पे चला गया मैं, और अगर ये अनटिक रहता है ठीक है आपको नहीं दिखेगा, अगर अनटिक रहता है तो यहाँ से देखिए ये अनटिक कर दिया तो अभी ये गायब हो गया। तो ये कंडीशन है, इस तरीके से आप इसको गायब करना चाहें तो गायब कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी।